हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे असम यूनिवर्सिटी सिलचर से जो पीएचडी एडमिशन 2022 से रिलेटेड और एक न्यू नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है उसके बारे में। मैं आपसे एक बता देता हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट था उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चलिए डिटेल्स में चेकआउट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, ये असम यूनिवर्सिटी सिलचर का ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सभी के इस एडमिशन का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। नोटिफिकेशन ऑन द एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2022-23। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप सभी को इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में इसका जो पीडीएफ है ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं असम यूनिवर्सिटी सिलचर, यहाँ पे नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। ओके, मैं आपसे एक बता देता हूँ, एक्सटेंड करके जो लास्ट डेट किया गया है वो यहाँ पे देख सकते हैं 3 नवंबर 2022 एक्सटेंडेड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि 3 नवंबर 2022 तक आप सभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ओके, बहुत ही शॉर्ट टाइम दिया गया है तो जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 5 नवंबर 2022 पब्लिशिंग लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि रेट का जो लिस्ट है वो 5 नवंबर 2022 को अपडेट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 10 नवंबर 2022 रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट रेट एंड पीआई, यानी कि रेट एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू का जो डेट है यहाँ पे देख सकते हैं 10 नवंबर 2022 को रखा गया है। ओके, नेक्स्ट हमें देख सकते हैं 15 नवंबर 2022 पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा उन सभी का फर्स्ट लिस्ट जो है वो अपडेट किया जाएगा 15 नवंबर 2022 को। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं 17 to 19 नवंबर 2022 डेट्स फॉर एडमिशन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम द फर्स्ट लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट में जितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा उन सभी के एडमिशन डेट है 17 to 19 नवंबर 2022। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं 21 नवंबर 2022 कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर कोर्स वर्क, आप सभी का कोर्स वर्क का जो क्लासेस है वो स्टार्ट होगा 21 नवंबर 2022 से। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे बता देता हूँ, अगर आप सभी ने डिटेल्स में अगर नोटिफिकेशन चेकआउट नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इस लिंक के थ्रू से आप सभी डिटेल्स में नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। ओके, पूरा डिटेल्स में मैंने डिस्कशन किया है नोटिफिकेशन में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फी मेंशन किया गया है फिर से। ओके, यहाँ पे ₹1000 फॉर जनरल एंड ओबीसी स्टूडेंट्स, यानी कि ₹1000 रखा गया है जनरल और ओबीसी के लिए। नेक्स्ट ₹900 फॉर ओबीसी एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस, ओके ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹900 रखा गया है। एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 800, यानी कि ₹800 एप्लीकेशन फी रखा गया है। अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप सभी चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स, आप सभी जितने भी हैं एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए भी आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं भाई मैक्सिमम 2, यानी कि 2 कोर्सेज के लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हो मैक्सिमम। ओके, पीएचडी भर्ती के लिए, लेकिन आप सभी को सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और सेपरेट एप्लीकेशन फी भी पेमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो फिलहाल इस नोटिफिकेशन वीडियो में बस इतना ही है। अगर फर्दर कोई भी न्यू नोटिफिकेशन अपडेट होती है इसके रिगार्डिंग तो मैं आप सभी को अवेयर कर दूंगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई भी क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिएगा। और इसी तरीके का हायर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अगर पाना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन पे सेट कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियोस अगर अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशंस मिल जाए। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।